नमस्कार, न्यूज साप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं एसटीएफ बस स्टैंड के यहाँ पर, और आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एसटीएफ बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट में एक गणेश टेम्पल है, और उसके बगल में यहाँ पर एक वाइन शॉप खुली है, नेटको वाइन शॉप। और उससे यहाँ के लोगों को कई दिक्कतें होती हैं, यहाँ के अगल बगल के शॉपकीपर्स को। और यहाँ पर अब हम जो गणेश टेम्पल है उसके पुजारी से अब हम बात करेंगे, और उन्हें भी काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि लोग जो भी यहाँ पर जो भी वाइन शॉप में आते हैं वो लोग इन्हें तंग करते हैं शाम के समय। तो आइए, क्या बात है, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? शुक्रलिंगम। बताइए, ये एनिटको शॉप में जितना जन आते आपके यहाँ पर, आपका मंदिर से पानी लेते और क्या क्या करते, आप ये बताइए। मंदिर का आसपास में सारा जगह, मंदिर का साइड में भी शराब पी के बोतल उतल सब फेंक देता। सवेरे हम जाके बोतल उतल सब निकाल के सफाई करने पड़ता, इसलिए पूरा मुसीबत है हम लोगों। आप बोलने से उस लोग कुछ सुनते आपका बात? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा काम, पंडित का काम है, वो सामने उधर जाकर बैठो, ऐसी बोलता। कौन बोलता आपको ये सब? ये पीने वाला लोग सब पब्लिक। हम लोग को क्या करेगा, झगड़ा करना नहीं सकता, इसलिए पुलिस को बोलना, वो हम लोग को ड्यूटी वाला आएगा, बस वो ऐसे चले जाता था। आप लोग इस बारे में पुलिस वालों से कभी बात की? एक बार बात किया, वो उठा कर लेके गया, उसके बाद में भी अभी तक कोई ये नहीं। हम लोग वो सुनने में ये आया है कि कल जैसा शाम को आपने मंदिर जब बंद की, और सुबह जब आके पूजा करने के लिए आपने मंदिर खोला, तो यहाँ पर बहुत सारे जो लिकर्स है, जो अल्कोहल है, उसका बोतल यहाँ पर टूटा पड़ा था, और उसका कांच सारा यहाँ पर रोड पर ही पड़ा था। इसके बारे में आप बताइए। ये वो तो हम लोग सुबह आकर मंदिर खोलने के पहले वो बोतल सफाई करने पड़ता, उसके बाद में तो फिर आठ बजे दौड़ के फिर भगवान का सेवा करता, बहुत मुसीबत है हम लोग। तो आपको क्या लगता है, मंदिर के बगल अभी जो अनिटको खुला है, ये सही है कि गलत है, आप ये बताइए। नहीं, वो गलत है, वो महात्मा गांधी का नाम रखा है, वो नाम महात्मा गांधी जी के नाम से ये मार्केट है, एमजी मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट। महात्मा गांधी का मार्केट बोलता है, महात्मा गांधी का तो नाम उठा दिया इन लोगों, आने को दुकान खोल कर रखा है, महात्मा गांधी का नाम ही मिटा दिया, वो बहुत मुसीबत है, थोड़ा कारोबार करिए। और आपने ये भी हमसे कहा था कि ये लोग आपको धमकी देते थे, जितने भी लोग यहाँ पर पीकर मंदिर के अगल बगल जो लोग बैठते हैं, वो बोलने से सुनता नहीं, हम लोग झगड़ा करने आता, हम लोग को संभाल नहीं सकता, क्या करें। अभी आप हमें ये बताइए, न्यूज अब तक के द्वारा अभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आपको पुलिस वाले देख रहे हैं, आप उन सबको कुछ कहना चाहेंगे? वो तो उन लोग मंदिर जोड़ कर कहाँ जाम जाएगा, फिर वो तो हम लोग के पास भी वो अरेंजमेंट नहीं है। आपको पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे कुछ मांग कीजिए कि यहाँ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो क्लियर होना है, ये लेडीज लोग आता है, ये पीपा का वो चक्का वक्का कर देता, बहुत मुसीबत है, यहाँ से अनिटको का हटाना, मतलब आपकी यही मांग है। तो ये थे इस मंदिर के पुजारी जी, और जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें भी वो लोग काफी यहाँ पर तंग करते हैं, वो लोग पीने के बाद इन्हें अपशब्द कहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है एक पंडित को या किसी मौलाना को या कोई भी, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति को जो किसी धार्मिक चीज से है। और मंदिर मस्जिद के बगल इस तरह अनिटको शॉप नहीं खुलना चाहिए, प्रशासन भी आप इसके ऊपर ध्यान दे। आइए, हम और भी कुछ लोग से हम बात करेंगे। तो ये है यहाँ का वाइन शॉप, जो अभी नया से खुला है यहाँ पर वाइन शॉप, और पहले यहाँ पर वाइन शॉप नहीं थी, ये कॉम्प्लेक्स थी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा था, बट हम आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वाइन शॉप खुली है। ये होटल वाला पानी उनी पर सबका भरा कर रखा। कौन होटल वाला? ये नासा देता है, उसी पानी में वो अगल बगल, तो आपको जैसा बता दे पंडित जी ने कहा, अगल बगल जो लोग स्टॉल पे नाश्ता बिक्री करते हैं वो लोग यहाँ पर पानी रखते हैं, वो पानी इसलिए अभी आटा का वो अंदर कर दिया, उसका बाद में तो अभी पानी नहीं है, अभी पाइप में आकर पानी लेता है, नहीं तो बोतल ले जाकर। देखिए पंडित जी के हाथ में ये बोतल, सवेरे आकर हम लोग
होटल ढूंढ के निकालना पड़ता, उसका बाद में पूजा वूजा में जाने पड़ता। अब हम रशीद जी से बात करते हैं। ठीक है, जब से ये अनेटको यहाँ पे खुला है बहुत तरह की कंप्लेंट्स हमें भी आ रही है, बहुत लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कुछ, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, किसी ने हमें भेजे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस ऑटो में बैठकर भी लोग यहीं से खरीदते हैं और यहीं पर पी लेते हैं। एक्चुअली ये जो यहाँ पे खुला है ये यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि मंदिर यहाँ पे बगल में है और हमारा पोर्ट ब्लेयर का सबसे बड़ा बस अड्डा यहाँ पे है और ये एक कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे लोग आते हैं, लेडीज आती हैं शाम को, जैसा पंडित जी बता रहे थे मंदिर पे लेडीज आते हैं, वो लोग उनमें एक डर का माहौल है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। इस विषय में प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है और प्रशासन से भी ये आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द शिफ्ट करेंगे और मेरा यही उम्मीद है, मेरा यही आशा है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और यहाँ पे जैसा पंडित जी बता रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इतने सालों से है, वो जानते हैं, तो इसको हटाना, यहाँ से शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाएगा और हमें पूरा उम्मीद है कि इसको शिफ्ट करें, लेकिन ये जल्दी से जल्दी होगा तो एक अच्छी बात होगी। थैंक यू सर न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए। जैसा आपने बताया बहुत ही सही बात आपने कही, और हम आपको ये भी बता दें कि जैसा पंडित जी को ये लोग दारू पीने के बाद ये लोग यहाँ पर उन्हें धमकाते हैं, तो यहाँ पर लेडीज आएंगे जाएंगे तो उन्हें तो और मतलब इनसे खतरा है, क्योंकि वो लोग तो इन्हें इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि जब एक पंडित जी को वो लोग ऐसा बुरा भला कह रहे हैं तो फिर लेडीज बच्चे उनका तो यहाँ आना तो मतलब बहुत ही, हम तो कुछ शब्द में भी नहीं कह सकते। और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि साथ ही साथ देखिए ये हम इस एरिया को बचपन से देख रहे हैं, ये अभी इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखिए इतना अच्छे अच्छे शॉप्स बन रहे हैं और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा एक आउटलेट बनने वाला है, जो अंडमान के पब्लिक के लिए बहुत एक अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। और इस स्थिति में अगर यहाँ पे एक अनिटको का वाइन शॉप होगा तो पब्लिक भी हेजिटेट करेंगे आने के लिए, तो ये गलत है, क्योंकि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ का हो रहा है, ये फेस वाइज से डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो ये डेवलपमेंट के लिए अगर यहाँ पे एक अनिटको का वाइन शॉप होगा और अभी से माहौल इस तरह से बिगड़ रहा है कि लोग यहाँ पे धमका रहे हैं, या फिर जैसा पंडित जी बता रहे थे लोग धमका रहे हैं, लेडीज यहाँ आने से अभी से हिचकिचा रही है, मंदिर आने के लिए हिचकिचा रही है, तो ये माहौल आगे के लिए बहुत ही निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे आउटलेट्स बन रहा है, तो अगर ये अनिटको का शॉप यहाँ पे रहा तो माहौल कुछ और हो सकता है। थैंक यू सर। तो जैसा हम आपको बता दें प्लीज, मैंने कि 24 जुलाई को ये अनिटको जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है और अभी से करीबन हम आपको बता दें 4-5 दिन ही हुए हैं, और 4-5 दिन के अंदर जैसा पंडित जी ने बताया कि उन्हें लोग धमका रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। प्रशासन आप इसके ऊपर नजर बनाए और जितना जल्दी हो सके आप इसे यहाँ से शिफ्ट करें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।